समा देवी जी नमस्ते। नमस्कार सर। आप कहाँ रहती हो समा देवी जी? सर मैं सिरमौर से हूँ। सिरमौर रहती हो? हाँ जी सर। अच्छा चलिए, हम भी कभी सिरमौर आया करते थे। हाँ जी सर। अच्छा रमा देवी जी बताइए हमें, समा देवी जी। हाँ जी सर। हमें बताइए आपने भारत सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जिसका आपने लाभ लिया है, आपको फायदा मिला है? सर मुझे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का मिला है, जिसमें कि मेरे पास बहुत ही कच्चा मकान था। मुझे ये सुविधा सरकार की ओर से भी मिली है, कुछ हमने दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ पैसा हमने इकट्ठा भी किया था सर, जिससे कि हमें ये सुविधा मिली और कुछ पैसा वो लगा दिया, फिर हमने उस पैसे से अपना कच्चा मकान पक्का बना दिया है सर। सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला समा जी? सर जी मुझे सरकार की तरफ से 1.5 लाख की राशि मिली थी। अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई पैसा पाने में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। हाँ जी सर। और मकान आपको जैसा चाहिए था वैसा बना दिया? हाँ जी सर। अभी मकान अच्छा बना दिया तो मेहमान भी बहुत आते होंगे? हाँ जी सर, मेहमान भी आते हैं। तो फिर नया नया खाना पकाना पड़ता होगा? हाँ जी सर। तो फिर खर्चा बढ़ गया होगा अब तो? कोई बात नहीं सर, ये तो आप लोगों की, आपके सरकार की और आपकी बहुत बहुत आभार करती हूँ। अच्छा समा जी, आप खेती करती हैं? हाँ जी सर, मैं खेती बाड़ी भी करती हूँ, छोटा सा अपनी खेती बाड़ी भी है। तो खेती बाड़ी में क्या पकाती हो? सर अभी तो लहसुन चला हुआ है, फिर उसके बाद बीन हो गया, मटर हो गए, मटर भी हम लेट लगाते हैं, अभी तो मक्की और आलू। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी सर। तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है? हाँ जी सर, मुझे पीएम सरकार किसान निधि का पैसा भी मिलता है, जो कि मुझे 2000 करके साल के 6000 मिलते हैं सर। अच्छा। हाँ जी सर, इसका भी मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, आपसे भी पीएम मोदी जी और सरकार से भी। समाज जी आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।